नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। फिर अमिताभ की आवाज में लाइट एंड साउंड शो, डिजिटल लाइटिंग में दमकेगा मानसिंह पैलेस। लाइट एंड साउंड शो को प्रोजेक्शन मैपिंग तकनीक से भव्य बनाया गया है। कंट्रोल रूम, मूविंग लाइट और साउंड बॉक्स लग चुके हैं। टीम ने फाइनल रिपोर्ट की पेश आचार संहिता के पहले भी शुरू हो सकता है। लाइट एंड साउंड शो शासन का आदेश होते ही यह शो पर्यटकों के लिए शुरू हो जाएगा। ग्वालियर के इतिहास को बिग बी अमिताभ बच्चन की आवाज में सुनने की इच्छा रखने वालों के लिए खुशखबरी है। अब वह अमिताभ की आवाज में ही ग्वालियर का इतिहास HD साउंड के साथ सुन सकेंगे। इस नए शो में डिजिटल लाइटिंग से मानसिंह पैलेस दमकेगा, वहीं पर्यटकों को इतिहास से जुड़े विजुअल भी नजर आएंगे। इसकी फाइनल रिपोर्ट टीम ने MP टूरिज्म से जुड़े अधिकारियों को सौंप दी है। अब शासन का आदेश होते ही यह शो पर्यटकों के लिए शुरू हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि यह शो नवंबर 2021 से बंद है, जो आचार संहिता के पहले शुरू किया जा सकता है। यानी लगभग 2 साल 4 महीने बाद यह शो पर्यटकों के लिए शुरू होगा। इससे पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होगा। सितंबर माह में लाइट एंड साउंड शो का ट्रायल हुआ था, जिसका ऑडियो पर आपत्ति आई थी। इनके आपत्तियों को दूर करने के लिए एडिटिंग शुरू की गई है। मकरंद देशपांडे और अंग्रेजी में कबीर बेदी की थी, जिसे रिजेक्ट करते हुए फिर से अमिताभ की आवाज डालने के लिए अधिकारियों ने कहा है। इस पर बिग बी से बात की गई है और कई महीनों बाद की डेट मिल सके और रिकॉर्डिंग हो सके। अब यह शो अमिताभ की आवाज में रिकॉर्ड हो चुका है। अधिकारियों के अनुसार इस बदलाव के साथ ही इतिहास से जुड़े कुछ कंटेंट पर भी काम किया गया है। लगभग 30 साल से चल रहे लाइट एंड साउंड में हिंदी और अंग्रेजी शो में अमिताभ की आवाज ही चल रही थी। समय के साथ जब इस शो को डिजिटल में कन्वर्ट करने की बात आई, तो बिग बी अमिताभ बच्चन की आवाज मैग्नेटिक साउंड में थी। आवाज को डिजिटल मोड में लेने पर टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, जिस कारण से इसे नया तैयार किया गया, जिसे बाद में रिजेक्ट कर फिर से अमिताभ की आवाज डाली गई। इसके लिए इंजीनियर्स की टीम ने तकनीकी का सहारा लिया। यह नया शो देश के प्रमुख लाइट एंड साउंड शो से बेहतर होगा। जेल मांडू का किला, कोणार्क मंदिर में शो तैयार करने वाले एक्सपर्ट वेंडर से ग्वालियर में काम कराया गया है। इस बार 4,26,00,000 रुपए खर्च किए गए हैं। पिछले 2 साल से शो पर काम चल रहा था। वेंडर ने दावा किया है कि देश का ये सबसे बेहतर और नया लाइट एंड साउंड शो होगा। यह नया शो देश के प्रमुख लाइट एंड साउंड शो से बेहतर होगा। देश भर में अंडमान निकोबार सेल्यूलर जेल, बांडू का किला, कोणार्क मंदिर में शो तैयार करने वाले एक्सपर्ट वेंडर से ग्वालियर में काम कराया गया। इस पर 4,26,00,000 रुपए खर्च किए गए हैं। पिछले 2 साल से शो पर काम चल रहा है। वेंडर ने दावा किया है कि देश का यह सबसे बेहतर और नया लाइट एंड साउंड शो होगा। लाइट एंड साउंड शो को प्रोजेक्शन मैपिंग तकनीकी से भव्य बनाया गया है। कंट्रोल रूम, मूविंग लाइट और साउंड बॉक्स लग चुके हैं। 45 मिनट का रहता है हिंदी और इंग्लिश शो। पर्यटकों के लिए बढ़ सकता है टिकट। ठंड और गर्मी के मौसम में लाइट एंड साउंड शो के समय में अंतर रहता है। सर्दी में हिंदी शो शाम 6:30 बजे और इंग्लिश शो 7:30 बजे शुरू होता है। इसी प्रकार समर में हिंदी शो शाम 7:30 बजे और इंग्लिश शो 8:30 बजे से होता है, जो 45 मिनट का होता था। अधिकारियों के अनुसार टाइमिंग यही रखी जाएगी, लेकिन टिकट बढ़ाया जाएगा। अभी यह टिकट इंडियन के लिए 140 रुपये और फॉरेनर के लिए 340 रुपये रहता था। बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन? अब नो टेंशन। शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।